नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विषय के बारे में। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने 29 जून 2021 को एक मीटिंग का आयोजन करा, जिसमें उन्होंने सीना इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र के प्रतिनिधियों को बुलाया। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सीना इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो ये मीटिंग का आयोजन हुआ, ये कहाँ पर हुआ था? इस मीटिंग का आयोजन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की जो ऑफिस है, निर्माण भवन में, निर्माण भवन नई दिल्ली, वहीं पे इसको आयोजित किया गया था। और इस मीटिंग का विषय क्या था? इस मीटिंग का मुख्य विषय था कि इलेक्ट्रोमोपैथी के रिकॉग्निशन में जो समस्याएं अभी तक आ रही है, जो 4 साल तक IDC फेस किया है या हम फेस किए हैं, तो एक्चुअली प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है और उस प्रॉब्लम को अगर कुछ सॉल्व कर सकता है अगर, तो सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र को इसीलिए बुलाया गया था। और इस मीटिंग में भारत सरकार के किन-किन प्रतिनिधियों ने भाग लिया? भारत सरकार के इसमें आपको मंत्री जी तो थे ही अपने जी, हेल्थ मिनिस्टर साहब, और उसके अलावा DHR के मेंबरान लोग थे, उनके सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर से ICMR के कुछ लोग थे वहां पे मौजूद। और सबसे बड़ी बात थी कि IDC जो बनी है उसके चेयरमैन डॉक्टर VM कटोच जी भी मौजूद थे उस मीटिंग में। IDC क्या चीज है? IDC इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी को हम कहते हैं। इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी एक्चुअली DHR के द्वारा बनाई गई है। मंत्रालय के अंतर्गत DHR आती है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के अंतर्गत IDC को क्रिएट किया गया है कि वो किसी भी साइंस के रिकॉग्निशन के लिए वो कमेटी क्या करती है कि उनके प्रतिनिधियों को बुलाती है अपने पास और बुला के उस साइंस के हर कॉन्सेप्ट को समझना, उसके साइंटिफिक व्यू को, उसके डेवलपमेंट को देखना कि क्या क्या हो रहा है, इससे कैसे कैसे डिजीज पे काम हो रहे हैं, वो सारी एक रिपोर्ट बना के और गवर्नमेंट को देती है और तब जाके गवर्नमेंट इसके रिकॉग्निशन पर काम करती है। उनके जो प्रतिनिधि थे चेयरमैन डॉक्टर VM कटोच जी, जी वहाँ उपस्थित थे। जी जी बिल्कुल। और हम ये जानना चाहेंगे कि सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र की तरफ से किन किन प्रतिनिधियों ने भाग लिया? देखिए, सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र के प्रतिनिधियों की जहाँ तक बात है, तो मुख्य रूप से हमारे डायरेक्टर डॉक्टर KP सिन्हा जी मौजूद थे उसमें, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, मैं खुद था, और हमारे रिसर्च एडवाइजर डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा, नेशनल फेडरेशन के चेयरमैन डॉक्टर V कुमार जी भी मौजूद थे उस मीटिंग में, और भी मानसिक तौर पे हमारे पूरे भारतवर्ष के चिकित्सक मौजूद थे हमारे साथ। और इस मीटिंग में किन किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई? इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रोमोपैथी, मैंने जैसे बताया कि इसके डेवलपमेंट में आ रही समस्याओं पर, तो जैसे इसके क्लिनिकल डेटा, इलेक्ट्रोमोपैथी के कॉन्सेप्ट पे कुछ बातें हुई, क्योंकि हमारे जो कटोच साहब थे वो कह रहे थे कि इलेक्ट्रोमोपैथी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, डॉक्टर साहब हमें ये समझा दिया जाए एक बार, क्योंकि उसको लेकर भी हमारे पूरे IDC को अभी तक कंफ्यूजन है कि एक्चुअली ये साइंस काम कर रही है तो किस बेस पे काम कर रही है और कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तो इसके कॉन्सेप्ट पर बहुत ही विस्तार रूप से चर्चा हुई है। IDC में पहले भी और प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई है इस मीटिंग को लेकर? हाँ जी। तो IDC उसके तरह संतुष्ट नहीं हुई जैसे उन्हें होना चाहिए? नहीं, अगर पूरी तरह से संतुष्ट हो गई होती तो अब तक रिपोर्ट दे चुकी होती, तो फिर ये मीटिंग बुलाने की जरूरत ही नहीं थी हमारे मंत्रालय में। नहीं संतुष्ट हुई, कहीं ना कहीं उन्हें कुछ लूपहोल नजर आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तब जाके मंत्रालय में इस तरह की मीटिंग का आयोजन किया गया था। तो इस मीटिंग के बाद जो प्रतिनिधि थे भारत सरकार के, उनका कैसी प्रतिक्रिया थी? उन लोगों की प्रतिक्रिया, जब आफ्टर मीटिंग आप पूछ रहे हैं, अगर आफ्टर मीटिंग पूछे तो सबकी प्रतिक्रियाएं बहुत ही शॉकिंग थी, क्योंकि जो उस दिन प्रेजेंटेशन हुआ सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र का, वो इलेक्ट्रोमोपैथी को लेकर, वो एक अपने आप में बहुत ही अजूबा रहा, क्योंकि जो भी बातें वहां बोली जा रही थी वो हर बातों का एविडेंस दिया जा रहा था। उस दिन 160 पेज की एक प्रपोजल की कॉपी भी दी गई मंत्रालय में। जी हाँ, मंत्रालय को भी दी गई, DHR को भी दी गई, ICMR को भी दी गई, और कटोच साहब को भी दी गई। सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, कटोच साहब ने टाइम भी लिया उसको लेकर कि डॉक्टर साहब मैंने बहुत सारी चीजें तो उसमें स्टडी की, क्योंकि एक दो दिन पहले उनको भेजा गया था, और कुछ बातें हैं जो कि मुझे करीब 10-15 दिन का वक्त दे दें तो मैं उसको और अच्छी तरह से स्टडी करना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रपोजल में आपने जो साइंस का कॉन्सेप्ट दिया है, मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि इसमें जितने भी मैटर दिए गए हैं विद एविडेंस हैं, मतलब आपने अपनी बातें कहीं उसमें नहीं बोली है, तो इस बात को लेकर ICMR और DHR और हमारे IDC के चेयरमैन डॉक्टर कटोच साहब में बहुत ही उत्सुकता बनी हुई थी उनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, वो जानना चाह रहे थे कि ये साइंस एक्चुअल में है क्या। तो उस प्रपोजल में मेन मेन क्या बिंदु थे?
प्रपोजल में देखिए एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दिया है इसमें, तो इसमें सबसे पहला तो हमारा जो उसमें प्रोजेक्ट में प्रपोजल में रहा, एक्चुअली ये प्रपोजल अभी भी हमने प्रोविजनल दिया है, फाइनल प्रपोजल की हमारी तैयारी चल रही है अभी, लेकिन जो प्रोविजनल दिया गया है उसमें भी हमने बहुत ही विस्तार रूप से इस साइंस के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है, करीब 35 पेजों में उसका दिया है उसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद उसमें कुछ क्लिनिकल डेटाज वगैरह दिए गए हैं जो सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र ने आज तक उसमें जो भी कैंसर पर या और भी डिफरेंट टाइप के डिजीज वगैरह पर किया गया है, बहुत सारे इनक्यूरेबल डिजीज पर जो काम हुआ है उसके भी उसमें क्लिनिकल डेटा पुटअप किए गए थे, और उस सबको बहुत ही गहन तरीके से उसमें स्टडी की गई है। और भी बहुत सारे कुछ हमारे जो एजुकेशनल फील्ड से जो काम कर रहे हैं वो भी डेवलपमेंट, मतलब हमारे रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रमोशन, ये तीनों पार्ट को उससे प्रपोजल समाहित करने की कोशिश की गई। तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से संबंधित और भी भारत में संस्थाएं हैं जो इस विषय पे काम कर रही हैं, उन संस्थाओं का आपके साथ कैसा तालमेल है और क्या सहयोग मिल रहा है? देखिए अगर कहें तो करीब करीब 80-90% संस्थाएं मानसिक रूप से कंप्लीट अपने साथ में है जी। नेशनल फेडरेशन की पूरी टीम हमारे साथ में है, EHF की पूरी टीम जो इलेक्ट्रोमोपैथिक फाउंडेशन अभी काम कर रही है जिसके चेयरपर्सन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर परमिंदर पांडे जी बॉम्बे के, उनकी पूरी एक डिसिप्लिन टीम जिसको कहें, क्योंकि देखिए हमने सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र ने एक चीज हमेशा देखा है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन वे में काम कर रही है उसको वो चाहते हैं कि हमारे साथ रहें, क्योंकि अनुशासन सबसे प्रायोरिटी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, तो इस चीज को बहुत ही माइन्यूट रूप से ध्यान दिया गया है। और हमारी ये दोनों तीनों टीम जो है अभी जो पूरे नेशनल लेवल पे काम कर रही है, EHF की टीम भी पूरे नेशनल लेवल पे काम कर रही है, उसके हर स्टेट में अपने अपने उसके प्रतिनिधि हैं, नेशनल फेडरेशन की टीम भी वैसी ही है, ये सारे लोग अपने पूरी तरीके से 110% साथ में हैं। और कभी भी क्योंकि EHF की टीम में बहुत सारे एक्सपर्ट भी है, साइंटिफिक एक्सपर्ट, वो सब लोग जब भी हमें जरूरत पड़ेगी मैं उन लोगों को बुला लूंगा अपने साथ। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला मीटिंग का? मीटिंग का निष्कर्ष लास्ट में निकला कि कठोर साहब ने 15-20 दिन का वक्त मांगा कि मैं इसे प्रपोजल की स्टडी कर ले रहा हूँ एक बार, और करके उन्होंने कहा कि डॉक्टर प्रभात मैं चाहूंगा कि मेरे जो भी IDC की मेम्ब्रान है 22 की टीम है उस टीम से आपको मैं रूबरू कराऊं आपकी पूरी टीम को। तो मैंने कहा उस समय स्टेटमेंट अपना दिया था कि सर 22 की टीम हो या 55 की बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो कॉन्फिडेंस लेवल आज आप देख रहे हैं शायद वो उस दिन और बढ़ा हुआ नजर आए, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रोमोपैथी को सरकार के पास जितनी भी क्यूरियोसिटी है इस साइंस को लेकर, वो चाहे थ्योरेटिकल हो प्रैक्टिकल हो जो भी हो, उस सारी चीजों को फुलफिल किया जा सके। तो डॉक्टर साहब आप ये जितने भी देश भर में हमारे इलेक्ट्रोमोपैथिक डॉक्टर्स हैं जी, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ उन लोगों को इतना कहना चाहूंगा कि जहां भी अगर प्योर इलेक्ट्रोमोपैथी पे काम हो रहे हैं वो सब लोग अपने अपने डेटा का कलेक्शन करें, जो भी देख रहे हैं क्लिनिकल डेटा, अगर उनके पास क्लिनिकल डेटा के फॉर्मेट नहीं है तो वो सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र से कंसल्ट करें और वहां से उनको क्लिनिकल डेटा का फॉर्मेट दे दिया जाएगा, उसको वो फिलफिल करें, और वो डेटा वो हमारे सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र के नाम से नहीं जाएगी, वो जाएगी तो उस फलाने डॉक्टर फलाने हॉस्पिटल उन्हीं के नाम से जाएगी। मैं सिर्फ वहां पर इतना कह सकता हूं, बहुत कहूंगा कि ये हमारी टीम है, ये हमारी टीम में है जो कि काम कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं, इलेक्ट्रोमोपैथी के सहयोगी हैं जो कि अपना डेटा दे रहे हैं, और उन्हीं के नाम से उस डेटा को पुटअप किया जाएगा कि फलाने स्टेट में इस हॉस्पिटल से ये डेटा आया है इस डिजीज को लेकर। डॉक्टर साहब एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी अभी अनरिकॉग्नाइज है, yes. मान्यता प्राप्ति के प्राप्त करने के लिए अग्रसर है, तो काफी सारे डॉक्टर्स परेशान रहते हैं कि इसे मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इस विषय पे आपका क्या विचार है कि इसे मान्यता मिलने के कितने चांस? देखिए मान्यता की जहां तक बात रही तो आपने जो बोला अनरिकॉग्नाइज है, मान्यता तीन स्टेप में होता है, थ्री स्टेप है। सबसे पहले तो इसको कानून की मान्यता मिलती है जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रोमोपैथी को मिल चुकी है। इसके रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रमोशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑर्डर कर रखा है कि आप इसका करें, तभी IDC कह रही है कि आपने क्या किया क्या है अभी तक वो हमें दिखाई ना कर, मतलब कानून ने मान्यता दे दी, कानूनी मान्यता मिल गई। उसके बाद होती है पब्लिक की मान्यता, पब्लिक ने भी मान्यता दे दी है, क्योंकि जब वो उसकी बीमारी ठीक होती है तो वो पुनः लौट आते हैं हॉस्पिटल में आते हैं, रिजल्ट जब मिलते हैं तो वो आते हैं अपने कलीग्स को भी लाते हैं कि भाई चलो वहां पे, क्योंकि मरीज को किसी भी रिकॉग्निशन से मतलब नहीं है कि सरकार ने इसको मान्यता दिया है कि नहीं,
उससे जहां भी अपनी बीमारी ठीक होगी वहां भी वो चले जाएंगे। तो कानून की मान्यता मिल गई है, मतलब न्यायपालिका की, उसके बाद आगे हम पब्लिक में, तो उनकी मान्यता मिल गई है। रही बात विधायिका की, तो विधायिका का एक सिस्टम होता है क्योंकि वहां से अब कानून बनने हैं, इसको लेकर लेजिस्लेशन बनना है, वही अभी प्रक्रिया चल रही है। मतलब दो चरण हमने पार कर लिए हैं, तीसरा स्टेप केवल बाकी है। 90% रिकॉग्नाइज ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम रिकॉग्नाइज नहीं होते तो इससे भारत में, मतलब इंडिया में या भारत वर्ष में हमें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है, तो इतना बड़ा इलीगल वर्क कैसे कर सकते हैं, जबकि पूरे इंडिया में हमारे 5 लाख इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर हैं अप्रोक्स, जो कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे काम कर रहे हैं और सरकार की नजर में है। ऐसी बात नहीं कि कोई सरकार से छुपे हुए हैं, सरकार सिर्फ इसलिए चुप है कि वो जानती है कि इन्हें रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रमोशन के लिए परमिट किया गया है। ये लीगल है, इलीगल नहीं है। अगर इलीगल होते तो उसी दिन बंद कर दी जाती, लीगल है, इसीलिए बार बार बुला के पूछ रही है कि आपने अभी तक क्या डेवलपमेंट किया है हमको बताएं, ताकि मैं इस पर लेजिस्लेशन बनाऊं और आपको एक फुल फ्लेजेज एज ए कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेडिसिन आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। चलिए डॉक्टर साहब, आपने हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विषय में इतना विस्तार से बताया, इसकी मान्यता को लेकर हमने इस विषय पर बातचीत करी, आगे भी हम इस विषय पर बातचीत करते रहेंगे। आपका इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।